गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। और आपके सामने हम अभी आए हैं, और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, और ये थंबनेल आपका टीचर के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था डीजल मैकेनिक का, और उसमें मैंने बोला था कि बहुत जल्द आपके फीचर के भी वीडियो आपके सामने निकल करके आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस हम कलेक्शंस करके लाए हैं फीटर के लिए, जो कि आपके एग्जाम में एएमपी में कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं। आप देखिएगा उस पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर हम आपको बताएंगे, उस पैटर्न पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। और सिर्फ इसरो ही, सिर्फ एएमपी ही नहीं, डीआरडीओ में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस इसी तरह के क्वेश्चंस इसरो में भी पूछा गया है, अदर जगह अदर पीएसयू में देखने को मिलता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट पता रहेगा, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम करके देगा आपसे बन जाएगा। तो वही चीज मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेकर के आया हूँ वो आपका फीटर का है। पिछला वीडियो में मैंने डीजल मैकेनिक का बनाया था, और भी अदर ट्रेड हैं जिनके बारे में हम आपको और भी क्लियरिटी के साथ आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये आपका फीटर का है, जिससे जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, ये आपका बैच हमारा ये आ रहा है 13 सितंबर से। और ये इसलिए बैच दिया गया क्योंकि ये फाउंडेशन बैच और जीरो लेवल का होगा। फाउंडेशन और जीरो लेवल का मीनिंग क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसमें आप जीरो लेवल से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि विदाउट इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चाहोगे कि 1 महीने के अंदर आपको घोर करके पिला दिया जाए पूरा फिटर ट्रेड, ये संभव नहीं है। इसलिए आपको पहले से मेहनत करना पड़ेगा, आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, आपको इतना मजबूती के साथ तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे डीआरडीओ हो या फिर इसरो, कोई भी एग्जाम हो आपसे क्रैक हो जाए। चाहे वो आपका एएलपी का एग्जाम आगे वाली वैकेंसी है, उसमें भी आपको ये चीजें काम आएगी। तो देखिए अभी आपके सामने हम यहां पर बताने वाले हैं कि कुछ आपके लिए क्या क्या हम कर रहे हैं फीटर के लिए। तो सबसे पहला चीज है कि जो फीटर का बैच है मेरा दोस्त, ये आईटी वालों के लिए है जो एएलपी का तैयारी करना चाहते हैं, जो डीआरडीओ की जो नई वैकेंसी आपकी फॉर्म फिल की जा रही है। डीआरडीओ में इतने सारे सीट्स हैं, आप देखिए 127 सीट है, यानी कि बहुत ज्यादा सीट है। अगर प्रिपरेशन अगर आपका अच्छी रहेगी और ट्रेड अगर अच्छे से कर लेंगे, तो हमको लगता है कि डीआरडीओ अदर एग्जाम में भी आगे चल करके आपको ये यहां से आपको फायदा मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कहां कहां पर होगा। कहेंगे ये बैच जो होगा आपका एएलपी के लिए तो रामबाण साबित होगा, जो कि जिसको हम लोग रेल ड्राइवर यानी कि रेलवे ड्राइवर के नाम से जानते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम आपको क्या-क्या देने वाले हैं, तो सबसे पहला चीज है कि हम आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलेंगी, फीटर की क्लासेस चलेंगी। लेकिन याद रखना कि ये 13 सितंबर से हमारा ये बैच लॉन्च हो रहा है, और 13 सितंबर का मतलब होता है 13 सितंबर, आगे ना पीछे आपको 13 सितंबर से ये क्लास करना है। अगर करना है, मन बना लिया कि करना है तो करना है, फिर सोचना कुछ भी नहीं है। 13 सितंबर से आपकी क्लासेस चलेंगी, और रेगुलर क्लासेस चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। और देखिए इसके बाद हम आपको मंडे टू फ्राइडे तो क्लास चलेगी, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी तो देंगे ही, और हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको क्लास में ही सॉल्व करवाए। यानी कि आपका ट्रेड के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए एएलपी में या डीआरडीओ में या इसरो में, अदर पीएसयू में अगर जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। इसके अलावे मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टडी मटेरियल का, जिस चीज के लिए आप इतना तरसते हैं, जो चीज आपको कंपाइल वे में चाहिए, जो आपको एक वही चीज चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी पीडीएफ के रूप में। जो मेरे दोस्त यहां से बिहार पटना से बाहर रहते हैं, जो बाहर रहकर के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन माध्यम लेकर के आए हैं, जो कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और आप वहां से भी इस चीज का फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं, जो लोग हमारे पटना में रहते हैं या आसपास के एरिया में रहते हैं, उनसे हम हमेशा कहेंगे कि आप ऑफलाइन आकर के बैच करेंगे, आप ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्ट होंगे, और ऑफलाइन में जो चीजें आपको मिलेगी वो हो सकता है कि ऑनलाइन में जितना हम देना चाहते हैं बच्चों को, हो सकता है कि वो डिलीवर नहीं हो पाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा करके ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों मोड के बच्चे को हम संतुष्ट करें, और अपना हमेशा से यही प्रयास रहता है कि क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसकी क्लियरिटी आपके सामने निकल करके आएगी। तो हम बात करेंगे कि ये स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो बाइलिंगुअल में होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, जो हमारे इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश में भी, और जो लोग हिंदी वाले हैं हिंदी भी, क्योंकि हम लोग हमेशा डिलीवर करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में, हमेशा क्लास को डिलीवर करते हैं। आप मेरे क्लास को अटेंड करोगे तो आपको इंग्लिश हिंदी में कहीं से कोई परेशानी नहीं रहेगी, और आपको पीडीएफ मटेरियल वगैरह तो दिया ही जाएगा। तो हम बात करते हैं यहां पर कि ये हमारा मेन इसका था कि हम आपके साथ यहां पर इतना चीज देने वाले हैं, और
और इसके अलावे मेरे दोस्त का बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि इसका फी ऑनलाइन फीस क्या रहेगा, तो ऑनलाइन का जो फीस है ये मात्र 999 रुपया होगा, जो कि पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है। इसमें आप 6 से लेकर के 8 महीने तक आप क्लास करेंगे। इसके बाद हमारा ऑफलाइन का जो फीस है ये 3550 रुपया फीस है, और 3550 रुपया हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर के यहाँ पर अगर आप स्टडी करेंगे और उस समय के लिए कहेंगे ऑफलाइन के लिए 3550 रुपया फीस है, लेकिन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है मेरा दोस्त, यहाँ ध्यान रखना। इसकी टाइमिंग दोनों की टाइमिंग जो होगी ये ऑनलाइन में आपका 5 से 6 होगा और ऑफलाइन में दोनों हमारा 5 से 6 होगा। दोनों का टाइमिंग हमारा 5 से 6 है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोर्ड में ये क्लासेस लाइव होंगे, तो जिनको जैसा लगता है उसके हिसाब से वो क्लास करेंगे। आगे चलते हैं, तो हम आपको ये बताने वाले हैं मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न क्या है, कितना इजी क्वेश्चंस होता है, नहीं पढ़ोगे तो टफ लगेगा, जाहिर सी बात है किसी को भी टफ लगता है, लेकिन अगर सही कंसेप्ट के साथ सही चीज पढ़ के जाओगे तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर जो ये फिटर का ब्रह्मास्त्र टेस्ट भी हमने दिया है और ये टेस्ट के माध्यम से हम आपको इन सारी जगह पर भेजने का कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपका जो सफलता का द्वार है और आप जाना जहां जाना चाहते हैं आपको वहां पर ये हमारा ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट आपको पहुंचाए, क्योंकि ये टेस्ट ही नहीं, ये टेस्ट वैसा टेस्ट होगा मेरे दोस्त जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हिटिंग करेगा। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने टेस्ट दिया वही चीज हमारे सामने लेकर के आ रहा है। तो जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट है, और ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट डीआरडीओ का आप आगे एग्जाम देने वाले हैं, डीआरडीओ में काफी हेल्प करेगा क्योंकि फीटर का उसमें बहुत ज्यादा सीट है, आप वहां पे फोकसाइज्ड हो सकते हैं। अदर पीएसयू के लिए अदर जगह के लिए भी आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी देखिए सबसे पहला चीज है कि ये ड्यूरेशन आपका 1 साल का चलेगा और इसका मात्र 499 रुपया फीस रखा गया 1 साल का, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये क्लासेस आपके चलेंगे। तो ऑफलाइन का फीस 200 रुपया पर मंथ है और ऑनलाइन का 499 रुपया पर ईयर है 1 साल में, तो आप कभी भी वीडियो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सारा चीज, आपको यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, आपको क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे सारा चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितना सिंपल होता है, अगर समझ गए तो बहुत आसान, नहीं समझे तो हमारे लिए वही बहुत टफ होता है। तो हम बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है मेरे दोस्त, और ये क्वेश्चन कहां से लिए हैं, तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है ये लिमिट फिट टॉलरेंस से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लिमिट और फिट, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और हमको लगता है कि सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निकल करके आता है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो आपका उठाया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका डीआरडीओ में पहले भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन इसरो में भी पूछा हुआ है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, तो ये अदर जगह पे ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको यहां पर क्या ध्यान में रखना है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया कि होल बेसिस पद्धति, यानी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले समझेंगे यहां पर होल बेसिस सिस्टम की बात हो रही है। मेरे दोस्त जब कभी भी होल बेसिस सिस्टम की बात करेगा तो ध्यान रखना होल को हमेशा फिक्स कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनके लिमिट में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपने बनाया और प्रोडक्ट मान लेते हैं कि जिस साइज में आपको चाहिए उस साइज का आपको नहीं बना, तो अब वो प्रोडक्ट आपके लिए खराब हो जाएगा। आप क्या करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं ये प्लेट है और इस प्लेट के अंदर यहां दिखाई दे रहा है ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर होल है, ये होल है, इस होल का साइज हम ऐसा बनाएंगे, ऐसे रेंज में बनाएंगे, किसी भी सूरत में ये होल हमारे काम का होगा, किसी भी सूरत में ये होल हमारे काम का होगा, इसीलिए इस होल के साइज को हम लोग एक रेंज में बनाते हैं और उसका एक लोअर लिमिट ले लेते हैं, एक अपर लिमिट ले लेते हैं, और उसके बीच में ही इस होल का हम लोग डिजाइन कर देते हैं, और कभी भी अगर हम लोगों को जरूरत होगा तो इस होल को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, तो यहां पर बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, होल की बात हो रही है, तो ये होल वही होल है जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्योंकि हम लोग कुछ भी अगर बनाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक मेन मकसद होना चाहिए कि कल के डेट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो खराब नहीं हो। तो हम कहेंगे अगर हम होल की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर हम होल की बात करते हैं तो सबसे पहला बात समझना, यहां पर होल की अगर हम बात करेंगे तो होल के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो डायमेंशन लेंगे, होल के लिए दो डायमेंशन, क्योंकि अगर होल हम बना रहे हैं तो इस होल के दो डायमेंशन हमें लेने पड़ेंगे, इनका दो रेंज लेना पड़ेगा,
एक हमारा इनका अपर लिमिट होगा और दूसरा इनका लोअर लिमिट होगा। एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट, एक अपर साइज, एक इसका कहेंगे एक हमारा क्या होगा तो कहेंगे अपर साइज होगा और एक क्या होगा तो कहेंगे लोअर साइज होगा, यानी कि ज्यादा और कम। लेकिन इसी के बीच में हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, इसी के बीच में हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा। अगर इसके बीच में हमारा प्रोडक्ट आता है हमारे काम का होगा, अदरवाइज उस प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग एक रेंज लेकर के चलते हैं और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, तो एक बात मेरे दोस्त हम बता देना चाहते हैं, होल के लिए हम लोग क्या करते हैं कैपिटल लेटर का यूज करते हैं हमेशा। होल के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, कहेंगे इसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है और शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा शाफ्ट क्या होता है, देखो मेरे दोस्त मैं आपको शाफ्ट के बारे में भी बता दूं। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करना चाहता हूं, ये मान लेते हैं कि हमारा होल है और ये मान लेते हैं ये जो आपको दिख रहा है गोल साइज को हम शाफ्ट बोल दिए, तो इसके अंदर हम अंदर एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये शाफ्ट है और ये होल है, ये शाफ्ट ये होल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट का हमारा एक रेंज होना चाहिए, अगर रेंज में बनाएंगे तो हमारे काम का होगा, चाहे होल हो कि शाफ्ट हो कि वही अदर प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नट बोल्ट बनाते हैं वो भी आपका रेंज में बनता है, रेंज में अगर नहीं बनाएंगे आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त हमेशा रेंज लिया जाता है और वह रेंज अपर और लोअर दोनों के बीच में वो प्रोडक्ट बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि होल का कैपिटल लेटर से हम लोग इंडिकेशन देते हैं, और अगर कभी भी आपको होल बेसिस सिस्टम बोल दिया मेरे दोस्त तो यहां पर आपको एक बात समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है कि एक आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिक साइज का नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बेसिक साइज का नाम देते हैं, या फिर इसी बेसिक साइज को हम लोग और क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग जीरो लाइन भी कहते हैं, रखना, इसी को हम लोग जीरो लाइन भी कहते हैं। तो बेसिक साइज हमारा क्या है, बेसिक साइज हमारा मेन टारगेट वैल्यू है, जो हमें चाहिए वो है, हमें 50 mm का चाहिए होल, तो 50 mm ये 50 mm है, लेकिन 50 mm का डायरेक्ट पुराना 50 mm का डायरेक्ट प्रोडक्शन करना ये इम्पॉसिबल काम है, इसका रेंज में लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको बोल देगा कि होल बेसिस सिस्टम अगर कह दिया, अगर होल बेसिस सिस्टम कह दिया, होल बेसिस पद्धति कह दिया, इसका मतलब है मेरे दोस्त आपको सीधा सीधा यहां पर समझना है कि आपको यहां पर एक होल का साइज लेना है, कोई हम साइज ले लिए जिसका अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों है, और इस साइज को हम क्या कर दिए, इस बेसिक साइज के ऊपर रख दिए। यानी कहने का मतलब है अगर होल बेसिस सिस्टम होगा तो उसका अगर हम कहेंगे लोअर लिमिट होगा वह बेसिक साइज पे होगा और अपर लिमिट को हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे। लेकिन मेरे दोस्त आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ये हमारा होल बेसिस सिस्टम है तो होल बेसिस सिस्टम होल का साइज हमेशा फिक्स होता है, याद रखना। अगर होल बेसिस सिस्टम की बात हो गई तो ये हमारा एच मतलब कैपिटल एच मतलब होल हो गया, होल के साइज को इधर उधर नहीं करना है इसमें, इसको यहां पर फिक्स कर देना है। अब कहिएगा सर होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज को हमेशा फिक्स करते हैं क्या, हाँ हमेशा फिक्स करते हैं। अगर होल बेसिस सिस्टम बोलेगा तो होल के साइज को फिक्स करेंगे, अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलेगा तो शाफ्ट के साइज को फिक्स करेंगे। मेरे दोस्त यहां पर एक बात समझने की बात होती है कि अगर हम होल के साइज को फिक्स कर दिए तो फिर क्या करेंगे, कहना जो शाफ्ट का साइज होगा, जो होल के अंदर शाफ्ट एंटर कर रहा था, उस शाफ्ट के साइज को हम ज्यादा और कम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर हम शाफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो शाफ्ट का साइज मान लेते कि ये हमारा है, ये हमारा शाफ्ट का साइज है, ये हमारा शाफ्ट का साइज है, और इस शाफ्ट के साइज को हम कहीं भी कर सकते हैं, यानी ये हमारा वेरिएबल होगा। याद रखना जब कभी भी होल बेसिस सिस्टम होगा तो होल को फिक्स कर देना, इस लाइन पे फिक्स कर देना जो बेसिक साइज होगा, लेकिन शाफ्ट के साइज को आप वेरिएशन दे सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार इसके साइज को ज्यादा और आप कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी होल बेसिस सिस्टम, होल फिक्स रहेगा, शाफ्ट में वेरिएशन होगा। तो देखिए यहां पर होल का साइज बड़ा होता है नहीं, होल का साइज छोटा होता नहीं, होल का साइज फिक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि होल का साइज स्थिर रखा जाता है, और क्या दिया कि और फिटिंग के अनुसार शाफ्ट के साइज को कम और ज्यादा हम कर सकते हैं, हमें जरूरत पड़ेगा कम करेगा कम कर देंगे, ज्यादा करेगा तो ज्यादा कर देंगे, लेकिन अगर होल बेसिस सिस्टम होगा तो होल के साइज को फिक्स करेंगे और शाफ्ट के साइज को ऊपर नीचे हम कभी भी कर सकते हैं, उसके डायमेंशन के हिसाब से ज्यादा और कम हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, कहेंगे सी ऑप्शन हमारे राइट होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ये तो होल बेसिस सिस्टम है, अगर आपसे पूछ देगा बताइए शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या करेंगे, मेरे दोस्त एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, अगर होल बेसिस सिस्टम बोला तो होल को फिक्स करना है, अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलेगा तो शाफ्ट को फिक्स करना है, उसमें होल का वेरिएशंस होगा, बस इतना ध्यान में रखना, तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। दो तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एक होल बेसिस सिस्टम पे, एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम पे। लेकिन
इसका कंसेप्ट पूरे टॉपिक में यूज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा निकल करके आ गया, ये हमारा सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जो एग्जाम में आता है। कितना सिंपल होता है इस बात को समझना, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है मेरे दोस्त कि जो फाई है ना, यहाँ पे ध्यान रखना फाई किसको इंडिकेट करता है, क्योंकि फाई जो होगा ना वो व्यास को इंडिकेट करता है। जैसे समझिएगा, ये मान लेते हैं, अभी इसको मत समझिएगा ये क्या है नहीं है, हमें उस पर नहीं जाना है, हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा होल है, ये होल है, तो होल का अपना एक डायमीटर होगा ना कि इसका 10 mm है कि 25 mm है, 50 mm, कितने mm का ये होल है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका होल का साइज डिफाइंड होता है ना कि कितना चाहिए, तो वही चीज है। अगर फाई कहीं पर लिख दिया तो फाई उसके डायमीटर को बताता है, फाई उसके डायमीटर को बताता है। डायमीटर कहने का मतलब ये मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, और अगर कहीं पर फाई लिखा हुआ है तो वही इंडिकेट आप कर सकते हैं कि ये वाला जो चीजें होती है इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, और इसी डायमीटर को दिखाने का प्रतीक होता है वो फाई। याद रखना, ये डायमीटर को दिखाता है, ये डाया को दिखाता है, यहां से लेकर के यहां तक के डाया को दिखाता है कि वो हमारा फाई है। इसका मतलब ये फाई किसको इंडिकेट करता है, ये फाई होगा या व्यास को इंडिकेट करता है, यानी ये किसको इंडिकेट करेगा, तो कहेंगे यह डायमीटर को इंडिकेट करता है, इस बात को ध्यान में रखना। अब समझना, डायमीटर पता चल गया तो होल हम बना सकते हैं, सर्कल हम बना सकते हैं, सर्कल डायमीटर पता चल गया तो सर्कल भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समझना, फाई यहां पर डायमीटर को इंडिकेट किया, और 30 जो लिखा हुआ है, ये 30 क्या है, ये 30 उस होल का डायमीटर है, यानी कि फाई डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है, और 30 जो है वो क्या है, कहेंगे उसका साइज है, होल का साइज है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर आपको इस तरह से फाई 30 लिखा हुआ है तो ये हमारा मेनली होल का साइज होगा, ये होल का साइज है। तो क्लियरली यहां पर समझना है कि आपको यहां पर क्वेश्चन बोला है कि ये 30 हमारा होल का डायमीटर हो गया, ये डायमीटर को इंडिकेट करता है। अब इसका मीनिंग क्या है, H7 बटे में D9 दे रखा है, ये एक्चुअली आपको ऐसे लिखा हुआ है, H7 और D9 को ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारा ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, H7 और D9 ऐसे लिखते हैं। याद रखना एक चीज, मैं हमेशा से आपको कहना चाहता हूं कि कैपिटल लेटर जब भी यूज होगा तो वो हमेशा होल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज करेंगे, कोई भी अल्फाबेट ए से लेकर के जड़ तक अगर यूज होगा तो हमेशा कैपिटल जो होगा वो होल के लिए होगा, और स्मॉल डी लिखा हुआ इसका मतलब ये किसके लिए होगा, कहेंगे या शाफ्ट के लिए होता है। ये बात आपके जहन में हमेशा के लिए हो जाना चाहिए, तो ये शाफ्ट के लिए, ये आपका होल के लिए। तो इसमें कह रहा है कि 530 S7 डिवाइडेड बाय D9 के मामले में D9 क्या है, कहेंगे D9 क्या है, ये शाफ्ट का साइज है, ये क्या है, कहेंगे शाफ्ट का साइज है। देखिए इसमें से ये शाफ्ट का आकार है, शाफ्ट का साइज है, बी आंसर होगा। अगर बोल देता कि बताइए H7 किसका होगा, तो H7 किसका होगा, तो H हमारा होल का होगा, कैपिटल लेटर हमारा होल का होगा, क्योंकि ये होल का साइज है। ये किसका साइज है, स्मॉल लेटर लिया हुआ, इसका मतलब ये किसका साइज है, क्योंकि हमारा शाफ्ट का साइज है। तो याद रखना कि कैपिटल लेटर हमेशा होल के लिए होगा, स्मॉल लेटर हमेशा शाफ्ट के लिए होता है। अब इसको अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखा सकते हैं, दिखाने के लिए आपके सामने यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आप इस चीज को समझेंगे कि यह होता क्या है। तो सबसे पहला चीज है, हमारा टारगेट क्या है कि हमको 30 mm का, एक चीज आपको और भी मैं बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर होल और शाफ्ट लिमिट फिट टॉलरेंस आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी डायमेंशन हमेशा mm में मेजर किया जाता है, कोई भी डायमेंशन हमेशा mm में लिया जाता है। तो यहां पर 30 अगर लिख दिया ना तो समझ लेना 30 mm का डायमीटर है, 30 mm का। इसका मतलब है कि डायमीटर 30 mm का है, लेकिन क्वेश्चन में बोला H7 D9 बोला गया, इसका मतलब क्या है कि H7 कहने का मतलब ये होल के लिए होगा। याद रखना होल के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो होल के लिए हम लोग हमेशा ऊपर की ओर लाइन से, बेसिक साइज से ऊपर की ओर होल दिखाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा होल के लिए होगा, ये हमारा होल के लिए होगा, ये होल के लिए होगा, ये पूरा का पूरा हमको जो दिख पा रहा है यहाँ पे, ये हमारा होल के लिए है। और होल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैपिटल एच इंडिकेट करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कैपिटल एच लिखा हुआ है ना, ये होल के होल को इंडिकेट कर रहा है। अब समझना कि अगर H7 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, H7 का मतलब होगा कि उनका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का रेंज होगा। यानी कहने का मतलब है ये वाली चीजें के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाली चीजें के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो साइज होगा, इसी को हम लोग H7 दिखाते हैं। वो कितना हम उसका रेंज लिए हैं, वो रेंज इंडिकेट करता है। सेम उसी तरह से ये आपका H7 कैपिटल H है, इसलिए होल के लिए। अगर हम बात करेंगे शाफ्ट के लिए, तो शाफ्ट हमारा
होल ऊपर रख दे तो सांप को नीचे रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे सांप यहां पर, हम मानकर चलते हैं कि ये हमारा सांप है और ये हमारा सांप है। सांप को ऐसे हमने दिखा दिया, सांप को हमने ऐसे दिखा दिया। और अगर दिखाना होगा तो हम कहेंगे इसके लिए, सांप के लिए अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल लेटर का यूज करते हैं और स्मॉल लेटर में हमारा D9 होगा, ये होल के लिए, ये सांप के लिए। तो कहेंगे ये जो इसका जून होगा वो हमारा कितना को इंडिकेट करेगा, कहेंगे D9 को। और आपको मैंने पहले ही बता दिया स्मॉल लेटर किसको इंडिकेट करेगा, कहेंगे स्मॉल लेटर हमारा साफ्ट को इंडिकेट करेगा और कैपिटल लेटर किसको, तो कहना होल को इंडिकेट करता। हमेशा ए से लेकर के जेड तक, आई को छोड़ करके ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर जब भी यूज होगा होल के साइज को बताता है, स्मॉल लेटर जब भी आएगा साफ्ट के साइज को बताता है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछा था स्मॉल लेटर D9 इसका मतलब है, ये साफ्ट के आकार को पूछ रहा था, यानी कि बी आंसर हमारे करेक्ट होंगे। इसी में S7 अगर पूछ लेता कहना होल का साइज अगर होगा, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे चल करके हम आपको बताएंगे यह हमारा कैसा फिट है, इस तरह के भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बस अभी इतना ही समझिए, काफी है जो इंफॉर्मेशन मैं दिया हूं, इसको ध्यान में रखना और देखना पलट करके पेज क्या यही क्वेश्चन आया है। देखना जो लोग गौर से सही से पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन एकदम हमेशा लगते चले जाएंगे, लेकिन जो लोग हवा हवाई में फायरिंग करेंगे उनको हमेशा परेशानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला वेरिएबल क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट फिट टॉलरेंस का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या ब्यूटी होता है उस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन को आप पहले रटते थे और आज के जमाने में वो क्वेश्चन का क्लियरिटी आपको सामने आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अफसोस होगा, ये हमारे पास होना चाहिए था जो आज आपको मिल रहा है, पहले तब आपका कब का सिलेक्शन हो जाता। तो हम बात करते हैं यहां पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया और 25 में इस तरह से आपको लिखा हुआ, देखिए ये हिंदी में आपका ये टाइपिंग किया हुआ है, ये मैटर आपका हिंदी में है, नीचे में आपको इंग्लिश में टाइप किया हुआ है। तो 25 प्लस माइनस इतना लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहला चीज है कि इतना अगर समझ में नहीं आता तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, यहां पर क्या करना है, ये हमारा 25 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है और ये 25 हो गया और इसमें कह रहा है कि 25 में यहां पर प्लस और माइनस कितना, तो 0.05 लिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये किसका उदाहरण है, ये किसका होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आता होगा किसका मीनिंग क्या है। मेरे दोस्त आज के बाद आपके आपके दिमाग में ये मीनिंग जो है गूंजता रहेगा और आप कहोगे कि ये जो 25 है ना ये हमारा बेसिक साइज है, जो हमें चाहिए था वो 25 है, जो हमें चाहिए था ना वो 25 है, लेकिन ये आपको जो दिया हुआ प्लस माइनस करके ये उसका रेंज है, उसी रेंज में प्रोडक्ट को बनाना वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, उस रेंज से बाहर हुआ वो हमारे लिए रिजेक्टेड होगा। यानी कहने का मतलब है ये 25 जो होगा यहां पर जो दे रखा है इसको हम लोग बेसिक साइज कहते हैं, ध्यान रखना ये हमारे लिए क्या होगा, कहेंगे ये हमारा बेसिक साइज होगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक साइज, समझिए इतना ही कहानी है, इसको हम लोग बेसिक साइज और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हो, उसको हम लोग हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग मूल साइज का नाम देते हैं, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो याद रखना मेरे दोस्त इसको हम लोग हिंदी में मूल साइज कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग हिंदी में यहां पर मूल साइज का नाम देते हैं, ध्यान रखना मूल साइज का नाम देते हैं। तो मूल साइज कितना, 25 है, तो 25 में प्लस करेंगे तो अपर लिमिट, माइनस करेंगे घटाएंगे तो लोअर लिमिट, लिमिट मिल गया ना अपर और लोअर, उसी के बीच वाला प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब है कि 25 हमारा मूल था और 25 में अगर हम प्लस कर दिए, कितना प्लस कर दिए, यहां पर याद रखना मेरे दोस्त, अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो अपर लिमिट मिलेगा, याद रखना अगर प्लस करेंगे तो यहां पर अपर लिमिट जो कि उच्चतर सीमा मिलेगा, और ये अपर लिमिट कहने वाला 25 में हम क्या कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं 0.05 को, और ये जोड़ने के बाद हमारे पास आ रहा है 25.05 इतना mm निकल करके आ रहा है। अब बताओ अपर निकल गया तो लोअर भी निकालना पड़ेगा, तभी तो रेंज होगा, तो दूसरा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे दूसरा जो होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगा, दूसरा हमारा कौन सा होगा, कहेंगे लोअर लिमिट होगा, और लोअर लिमिट में क्या करना है, तो 25 में से अब प्लस कर दिए हैं तो आप माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो 0.05 को घटा देंगे, और जब आप घटाएंगे तो ये वैल्यू आपका 24 कितना का, कहेंगे 95 इतना mm आएगा। अब आप यहां पे गौर से देखना, आपको कहीं ना कहीं इसकी क्लियरिटी नजर आएगी, ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो इन दोनों के रेंज के बीच में ही बनेगा, इन दोनों के बीच में ही बनेगा, 24.95 से लेकर के आप 25.05 के बीच में सारे प्रोडक्ट बनेंगे और वह प्रोडक्ट हमारा यूज होगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगर इसको क्रॉस कर गया, नीचे गया, इससे ऊपर गया, यूज नहीं करेंगे, वो हमारे काम का नहीं होगा, हम अपना एक रेंज ले लिए, प्रोडक्ट बना लिए,
मास लेवल पर प्रोटीन बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, जहां जरूरत पड़ेगा जिस डायमेंशन का उठा करके लाएंगे और सेट कर देंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर वही चीज इंडिकेट कर रहा था। तो यहां पर अगर आपसे बात करता है कि बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, जब दोनों डायमेंशन निकल गया तो क्या दिक्कत है, आप सीधा सीधा आप इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन को ये मान लेना है कि ये बेसिक साइज है जो हमें चाहिए था। ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा बेसिक साइज है, ये हमें मूल साइज है। और बेसिक साइज हमारा क्या कहेंगे, वो हमारा 25 mm का है, यानी कि बेसिक साइज हमें कितना चाहिए था, हमें 25 mm का चाहिए था, लेकिन 25 mm हम बना नहीं पाए, तो कहेंगे इन दोनों के बीच में हम बना पाए। इसका मतलब है कि ये 25 से कम हो गया, ये 25 से ज्यादा हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस रेंज में बनेगा, ऊपर भी जाएगा और इतना नीचे भी जाएगा। तो हम कहेंगे नीचे वाला जो होगा ये हमारा 24 कितना, तो कहेंगे 9.5 mm होगा, और ऊपर वाला कितना होगा, कहेंगे 25.05 mm होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, ये बेसिक साइज के दोनों साइड लाइक कर गया, ध्यान रखना, ये हमारा बेसिक साइज के दोनों साइड ये लाइक कर गया, दोनों साइड ये लाइक कर गया, ऊपर और नीचे दोनों साइड चला गया। इसीलिए इसमें हम कहेंगे कि दोनों साइड चला गया, इसमें बायलेटरल टॉलरेंस, बायलेटरल कहने मतलब दोनों साइड, तो कहेंगे जब दोनों साइड चला गया, बेसिक साइज से किसी एक साइड में होता तो यूनिलेटरल होता, लेकिन जब दोनों साइड ये लाइक कर गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इसका मतलब ये बायलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, देख करके ही लग रहा है बायलेटरल, आंसर करेंगे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर एक ही साइड होता तो यूनिलेटरल, दोनों साइड हो गया, हम कहेंगे बायलेटरल, ज्यादा और कम कुछ भी हो जाए, अगर दोनों साइड अगर हो गया तो कहेंगे बायलेटरल टॉलरेंस होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आपके आंसर निकलने चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन मेरे दोस्त वैसा ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सा इसमें से बायलेटरल टॉलरेंस है, आपको देख करके पता करना है। जो लोग तेज होगा ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग है ना, दिमाग का कैलकुलेशन यूज करोगे तो देखोगे यहां पर 25 में से हम घटा रहे हैं, यहां भी घटा रहे हैं, इसका मतलब घटाएंगे तो 25 से दोनों नीचे चला जाएगा ना वैल्यू, इसका मतलब ये यूनिलेटरल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दोनों झूठ रहा है, इसका मतलब 25 से तो ज्यादा हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, ये भी यूनिलेटरल हो जाएगा। अब इस पर देखिएगा दोनों प्लस है, लग जाएगा कि दोनों प्लस है, इसका मतलब नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा, यूनिलेटरल है। आप यहां देखिएगा एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, तो ये दोनों साइड चला जाएगा, दोनों साइड चला जाएगा, ये बायलेटरल हो जाएगा। आंसर करेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। देखते ही आंसर कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएं, और मेरे दोस्त कैलकुलेशन करने के लिए भी मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन के लिए जो मैंने बताया था कि ये फाउंडेशन बैच है, मेरे दोस्त मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ करना है, तो आप 13 दिसंबर का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही ज्वाइन करके आप तैयार रहना, क्योंकि 13 दिसंबर से हम आपका इंतजार करने वाले नहीं है। हम आपको कोशिश करेंगे, जो बच्चे जुड़ेंगे और जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा 100% देने का कोशिश करेंगे, चाहे मेरे दोस्त आप ऑनलाइन आइए कि ऑफलाइन आइए, हम कोशिश करेंगे आपके दिमाग में भेजे किसी तरह से, क्योंकि अगर दिमाग में सेट हो जाएगा तो एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा मेरे दोस्त, उसके लिए काहे टेंशन ले रखे हो। तो चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये ऑफलाइन का फीस है, इसको भी ध्यान रखना, ये ऑनलाइन का है। अब इतना ज्यादा किसी के, हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कमेंट देखा सर 999 1000 रुपया बहुत ज्यादा, अरे मेरे भाई इतना मटेरियल मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, आप इतने के लिए इतना सोचते हो, नहीं सोचना है। आप लाइफ में बहुत पैसा खर्चा करते हो, लेकिन अगर एजुकेशन के लिए आप पैसा थोड़ा बहुत खर्चा कर भी देते हो तो हमको नहीं लगता कि वो पैसा कहीं जाता है, वो आपके ब्रेन में जाता है, वो आपके जहन में जाता है, वो आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है, वो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवा सकता है। इसलिए पैसा कोई मैटर नहीं करता है, ज्ञान मैटर करता है कि आपको कहां पे ज्ञान मिलता है। इसलिए जहां ज्ञान मिलता है वहां काम करिए, ये इस रास्ते से अगर भटक गए तो मामला मेरे दोस्त आपका कुछ और होगा। मैं पहले भी बताता हूं और अभी भी कहता हूं, आगे भी मैं यही बात कहूंगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो चले आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, समझिएगा अगला एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान में रखना इस बात को, ये भी आपका एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। अब देखिए आकार के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाए उसका उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा होगा, होगा बिल्कुल होगा, तो दोनों के बीच को क्या कहेंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला काम है हम क्या करेंगे, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, समझना ग्राफ से, और लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा बेसिक साइज होगा, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मूल साइज का नाम देते हैं। अब आपके दिमाग में एक जहन में एक बात आती होगी, बेसिक साइज होता क्या, बार-बार बेसिक साइज कर रहे हैं। अरे बेसिक साइज आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो बेसिक साइज है, लेकिन
मशीन आपको आपके साइज के हिसाब से नहीं दे सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, तो ज्यादा और कम का मामला तो आएगा। तो ज्यादा और कम का अगर मामला आएगा तो वही है कि किसी भी आकार को अगर बनाते हैं तो उसका एक अधिकतम साइज होगा और उसका एक न्यूनतम साइज होगा, उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं। अब समझना, अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर कि मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु हम बना रहे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर हम होल का साइज ही बना रहे, ये हमारा होल का साइज है। अभी आगे हम सब कुछ का क्लियरिटी आपको बताएंगे, क्लास में तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल वे में बताना पड़ता है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं कि मेरे दोस्त आप देखो कि कितना आप नजदीक हो, आप कर सकते हो, आपको पिछड़ना नहीं है। मान लेते कि ये हमारा होल का साइज है, ये हमारा होल का साइज है, तो होल का ऊपर वाला ये साइज, ये लोअर साइज, ये अपर साइज, क्योंकि यहां से देखेंगे तो ये लोअर होगा और ये अपर होगा, ऊपर वाला हमेशा अपर, नीचे वाला हमेशा लोअर होता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहां पर ये हमारा उच्चतम सीमा होगा जिसको अपर लिमिट कहेंगे, और ये हमारा लोअर लिमिट होगा जो कि हमारा न्यूनतम सीमा होगा। अब कह रहा है कि किसी भी वस्तु का जो आकार होगा, हमने होल डिसाइड कर लिया, कहेंगे उसका अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को, यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, इसी को हम लोग टॉलरेंस जोन कहते हैं। याद रखना मेरा दोस्त, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग टॉलरेंस जोन का नाम देते हैं। ये जोन वो जोन है जिस जोन में हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, वो जोन है जिसको हम लोग टॉलरेंस जोन कहेंगे। न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा, न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा, ध्यान में रखना इस बात को, एक एक चीज का मीनिंग होता है और आपके आंसर यहां पे दिख रहा होगा। इसको हम सही शून्यता कहते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सही शून्यता का नाम देते हैं, सही शून्यता बोलते हैं, जो कि टॉलरेंस होगा, यानी कि आपके बी ऑप्शन राइट होंगे। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि डेविएशन क्या होता है, आगे चल करके बताएंगे हम फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके बहुत सारे बनते हैं, कंसेप्ट पता रहेगा, एक बार बनाओगे मेरे दोस्त कभी भी नहीं भूलोगे, इस बात को ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं, वही चीज आपका, देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, डीजल मैकेनिक का भी वीडियो बनाया था, और डीजल मैकेनिक का भी, जिनको डीजल मैकेनिक लेना है ले लीजिए, जिनको भी फीचर लेना है ले लीजिए, आगे के ट्रेड का वीडियो आपके सामने बहुत जल्द अवेलेबल होगा। याद रखना सारा प्रोसीजर सब कुछ सेम है, जो मैंने पहले करवाया, जो मैंने पहले बताया, सारा सब कुछ सेम है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने दोस्त, मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपके नजदीक में जो आपके सामने में वैकेंसी गुजर रही होगी, आपको जो अंधेरे में भी वैकेंसी दिखाई देती होगी, वो वैकेंसी आपके सामने है जो कि आपका डीआरडीओ का है। डीआरडीओ के लिए यहां पर देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये डीआरडीओ का ही वैकेंसी है, जिसमें इसका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 23 तारीख से इसका फिलिंग टाइम है, और इस तरह से ये आपको एलिजिबिलिटी दे रखा है कि आप 23 तारीख तक आपका एलिजिबिलिटी होगा, लेकिन फॉर्म भरने का जो डेट है मेरे दोस्त वो कब से है, ओपनिंग हो रहा है 3 सितंबर से ओपनिंग हो रहा है, 3 तारीख से ओपनिंग होगा, और यह कब तक फुलफिल किया जाएगा, 23 सितंबर तक ये फुल किया जाएगा। इसीलिए एक सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म को पहले फिल करना, इन्हें कि फॉर्म का डेट आराम से भरेंगे मामला सब गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए पहले फॉर्म को भरना है, और कोशिश करना है कि अगर आपका लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, लास्ट डेट का इंतजार करोगे ना तो जाओगे साइबर कैफे वाले के पास, मारेगा जटाजट मारेगा और मामला सब खराब कर देगा, कहीं कुछ मिस्टेक और परेशानी में फंस जाओगे। इसलिए उस परेशानी में नहीं फंसना है, आपको तुरंत डिसाइड करना है कि हमारे पास डिग्री है तो इस डिग्री को कहीं जाने नहीं देंगे, इसका यूज करेंगे, और उस डिग्री का यूज तभी आप करेंगे जब आप एग्जाम देंगे, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहां पर अलग स्लाइड में मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये आपका जो पोस्ट है जिसमें मैंने फीचर के लिए आपको बताया, ये फीचर का देखिए पोस्ट है, ये फीचर का आपको क्षमा करा होगा 210 नंबर, ये फीचर का पे दिख रहा होगा। अब देखिए इस फीचर में मैक्सिमम जो आपके यहाँ पर मैक्सिमम जो वैकेंसी वो कितनी है, 127 वैकेंसी है, जिसमें आपका जनरल का वैकेंसी, सारे कैटेगरी का वैकेंसी आपको कैटेगराइज करके दिया हुआ है, और टोटल मिलाकर के कितना देखेंगे 127 वैकेंसी है, यानी काफी होता है। जो लोग दिल से दिमाग से मेहनत करेंगे उनके लिए वैकेंसी बहुत है, लेकिन जो लोग पहले से डरते हैं मेरे दोस्त उनको डरने की जरूरत नहीं है, आइए आपका स्वागत है, मैं आपके साथ हूँ, इंजेक्शन का काम करूंगा मेरा दोस्त, कि आपके जहन में लगेगा ओ माय गॉड ये चीजें हमको पहले मिलनी चाहिए था। तो ध्यान रखना ये चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यही सारा चीज है, सारे देखिए इसमें सारे पोस्ट के लिए आप जिसमें भी आपको अप्लाई करना होगा, देखिए यहाँ पर सारे पोस्ट आपको दिख रहे हैं, आप जिस चीज के लिए एलिजिबल होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे चल के मशीनिस्ट भी दे रखा है, तो मशीनिस्ट भी कर सकते हैं, डीजल मैकेनिक, हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे मशीनिस्ट का, आपका वेल्डर का भी लेकर के आएंगे, टर्नर का भी लेकर के आएंगे, लेकिन मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, और अगर हम बात कर रहे थे मोटर व्हीकल हो गया, उसके बाद रेफ्रिजरेशन का हो गया, और अगर किसी को टर्नर वेल्डर ये इन सब पे भी वीडियो बन करके आएगा, लेकिन मैं इंतजार नहीं करना है, आपको डायरेक्ट
काम करना है। चलिए आगे चलते हैं, सबकी वैकेंसी है और बात की ये सारा प्रोसीजर है सो करने का, और इस वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आए। और यह वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड होगी उनको भी फुलफिल करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।